ये थोड़ा हमको भी थोड़ा हमको भी क्या हाल चाल पब्लिक, कैसे का वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली अपने कैमरा पे सबसे पहला वीडियो है एंड आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट दिस टाइम। ठीक है, मतलब वेरी फर्स्ट क्लिप फ्रॉम माय कैमरा इज दिस वन। तो हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि ये पहला क्लिप है अपने कैमरा, वैसे तो पता नहीं है, वैसे मस्त लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से निकलते बिकॉज शायद रिमेम्बर मेरा भाई अभी जी चवान, ही वॉज आउट फॉर वर्क इन नॉर्वे फॉर लाइक 3 मंथ्स। मैं घर से पता दूर नहीं रह पाता, वो भाई 3 महीने से काम करके आ रहा है, तो उसको पिकअप करने जा रहे हैं, कल वो पहुँचने वाला है, तो इट्स अ सरप्राइज फॉर हिम। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, आई एम पता नहीं, बहुत सही लग रहा है मेरे को। ओके, आई एम नॉट अ वाइट शू पर्सन, लेकिन फर्स्ट टाइम लिया है। It's trending, right? It's trending. I should use them. Yeah, so na. Besides being happy and excited, how exactly are you feeling? No, I'm happy and excited. That's it. That's it. Now I have to get up early in the morning every day to cook tiffin for him. So that's a saddest part. But then it's okay. So we all are so excited and so अलग सी feeling है आज. तो उस तरह से impatient हो रहा आने के लिए he's landed, but अभी बैठ के wait कर रहे हैं बस सब कुछ. मेरा पिया घर आया और अब जी थोड़ा हमको भी आजी कैसे बढ़ रहा है बहुत दिन के बाद भाई कैसे लग रहा है, खरीदा क्या वापस? क्या बोलूँ यार, क्या बोल रहा था, बहुत मिस किया। कैसा बढ़ रहा है? एक चीज अच्छी नहीं लग रही यार, पसीना निकला 3 महीने है पहली बार। अरे बाप रे, आया ना बुरा बोला गया, तुम सब पे चक्कर हो गया एकदम। नहीं, लैंड होते ही अपनी औकात पता चल गई, तुम पसीने वाले लैंड होते ही औकात। और वैसे आने के बाद भाई को ऐसे बोलती खानी है वड़ा पाव। वड़ा पाव कितना मिस किया? बहुत मिस किया है, बहुत मिस किया। पूरा अपने खाने में बहुत मिस किया देगा ना। यस, अपने जैसा खाना किधर नहीं मिलता। ये लगन सही पकड़े, अपने जैसा खाना किधर नहीं मिलता। अभी तो भाई साहब सोए हैं एकदम कड़क, अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे कैसा था वर्क एक्सपीरियंस नॉर्वे में एंड हाउ वाज द होल सिनेरियो देयर एंड ऑल दैट। अभी चलते घर। तो भैया अभी याद तक तो आपने देख लिया, ठीक है, तो इसके बाद भाई को मैं बोल रहा हूँ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर। तो आपने देखा ना भाई को वीडियो में, पहले मस्त बात करता है लेकिन आज पता नहीं किस रीज़न से शर्मा रहा है। फिर भी अपन कोशिश करते कुछ तो, ठीक है, बता भाई वहाँ का कुछ तो स्टोरी बता, अपने पब्लिक को कुछ तो कंटेंट दे। आई मीन ये मेरा फर्स्ट टाइम था, आई मीन आउट ऑफ कंट्री, इट वाज वेरी गुड, आई वाज एक्साइटेड एंड इट वाज न्यू फॉर मी एंड द ओनली थिंग और द स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज और एनी अदर कंट्री आउटसाइड ऑफ इंडिया, आई एम सेइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ एशिया, यू विल सी द क्लाइमेट। हम लोग यहाँ पे घूमते ना तो हर जगह पे डस्ट उठती रहती है। हाँ, पॉपुलेशन बहुत है अपने यहाँ पे, पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन है वैसे, पर जो भी है पॉपुलेशन पॉल्यूशन अपना दोनों चीज प्रॉब्लम है। वही मैं हमेशा बोलता हूँ, पॉपुलेशन पॉल्यूशन दोनों चीज अपना बहुत। मतलब हम लोग फ्रेंड्स वहाँ पे गए थे, बट सोच के मतलब बहुत सारी चीज़ें है रे, मतलब वहाँ पे एक तो रहना एज एन इंडियन बहुत कॉस्टली है। हाँ हाँ, बट इफ यू आर स्टेइंग देयर एंड यू आर अर्निंग देयर देन
that's not a problem. But then being an Indian, you will always think that to save some money. बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है. सबसे मेन चीज भाई ने जो बताया थी, मेरे को याद है कि वहाँ पे लोग ना अपने काम खुद करते हैं. अजन घर बनाना है तो खुद बनाते हैं, ऐसे नहीं कि कारपेंटर बुलाया. नहीं मतलब हाँ वो तो है, क्योंकि खरीद के लाना एक चीज है, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट. बट उसको बिठाने अगर तुमको नहीं आता है तो किसी को बुलाना पड़ता है. सब इंडिया में बुलाते हैं यार, ये मेरा अटक गया है. यार ये काम, ये वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, मेरे को ये लॉक लगाना है. सो वी आस्क फॉर हेल्प, राइट? वी आस्क फॉर समवन, सम वेंडर वी कॉल. बट देन वहाँ पे वैसा नहीं, वहाँ पे सर्विसेज बहुत कॉस्टली. तो जो भी काम खुद को ही करना है, ऑन योर ओन यू नीड टू लर्न. एग्जैक्टली. और मेरे को पूछो अगर, तो मेरे हिसाब से बहुत सही चीज़ है, कॉस्ट कटिंग है. जैसे मैंने अपना स्टूडियो बनाया, चीप में बनाया, लेकिन सस्ते में क्यों पड़ा? क्योंकि सब मैंने कहा ये किसी और को बुलाऊं, जैसे आप मेरे को बुलाओ बिकॉज़ तो बहुत भारी पड़ेगा मेरे भाई. खुद करो तो यू कैन डू इट, इट्स जस्ट अबाउट डूइंग इट. तो अपने आप सीखने ऐसा कि लोगों को ना टाइम खर्च करना होता, ना मेहनत करनी होती, वहाँ पे ऐसा नहीं है. नहीं, हम लोग ने बहुत ये सब चीज़ें पे बहुत डिबेट किया. मतलब कि वहाँ पे अपने यहाँ पे वो बर्तन मांजने के लिए, लादी पोछा करने के लिए, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई हेल्प है अपने पास, और वहाँ पे वैसा है नहीं. बट कभी कभार ये भी सोचता हूँ कि अपने यहाँ पे है क्यों अच्छा है, बट क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, इतने पॉपुलेशन को सपोर्ट कहाँ से करेंगे? एग्जैक्टली. वहाँ पे है ही नहीं कुछ ऐसा. हाँ, वहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है. एवरी पीपल, एवरी नॉर्वेजियन पीपल, आई मीन आई विजिटेड नॉर्वे एक्चुअली, सो नॉर्वेजियन पीपल आर, दे आर वेरी रिच, वेरी एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन्ड. सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे हार्श इन ट्रैफिक. मतलब आई गेट फ्रस्ट्रेटेड इन इंडिया. मतलब ऐसा नहीं कि बट है, अपने आप बहुत पंगा ट्रैफिक का. तो ट्रैफिक का सीन बहुत बोलते हैं जितना मेरे को पता. ये ट्रैफिक मतलब एक तो वहाँ पे डिसिप्लिन है हर चीज़ का. एज ए पेडेस्ट्रियन व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, यू नीड टू वॉक ऑन द पेवमेंट, यू नो. एंड देन इफ देयर इज डार्क, नो, इफ देयर इज डार्क देन यू हैव टू, यू नो, wear something which, you know, shines. Safety measures. So, you know, even when you are dark, you are able to, I mean, you can be seen from distance as well. So that was good. And then the most important thing is the discipline of the drivers or the people over there, and the patience. You have to admit you have to be honest. I mean, as a pedestrian, I need to walk. When you are walking, you need to walk on the pavement, and then when you want to cross, there are subways. If there is not subway, then there is zebra crossing, and you need to cross from the zebra crossing. And then when you go or reach near the zebra crossing, the car, I mean, they will stop. I mean, they will stop, and then you just pass by them and you appreciate, yaar. I mean, तू गाली भी देता था काज लिए कोई यहाँ पे. अपने यहाँ पे अगर ऐसे कुछ हो तो काज. नहीं, अपने यहाँ पे मैं उसको देखूंगा ना जेब्रा क्रॉसिंग पे, तो मैं और जोर से दबाऊंगा, भाई भगवान ना ये क्रॉस करेगा. नहीं, आई मीन जोक्स अपार्ट, बट देन ओवरऑल इट इज अ वेरी डिसिप्लिन. नहीं मतलब, अरे मतलब हर चीज का मतलब डिबेट करने जैसा है. इंडिया में क्यों नहीं है, वहाँ पे क्यों है, अरे वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, डिसिप्लिन है. अरे वो तो अपन उस पे पीपल फील प्राइड. नहीं जाएंगे अपन. नहीं, पीपल लिटरली फील प्राइड ना व्हेन दे डू ऑल दीस थिंग्स ना. यू ऑल्सो अप्रिशिएट एज ए फॉरेनर, यू ऑल्सो अप्रिशिएट, वाओ ये कैसे लोग हैं लोग यार. मतलब मेरे को तो जो मेरे को ऐसा अजीब लगता था यार, मैं सोचता था यार गाड़ी जाएगी तो मैं क्रॉस करूँगा, और गाड़ी रुक जाती थी. यार जा यार मैं रुका. और ऐसा नहीं, और लिटरली मैं 3 महीने वहाँ पे था. And then it was only 4 or 5 times when I heard a horn. हाँ, अरे हाँ, वो तो. No one there. I mean, पाँ पाँ पाँ, कोई नहीं करता वहाँ पे. हम लोग तो literally यहाँ पे road पे चलते थे. पीछे से गाड़ी भी आई ना, मतलब not on the actual expressway or highway, but then जो regular side वाला road. तो यार हम लोग कितनी बार आदत से मजबूर है यार, इंडियन है. चल तो चलते थे ऐसे. तो अरे लिटरली कितनी बार तो ऐसे गाड़ी आके खड़ी हो जाती थी, पीछे आके वो हॉर्न नहीं बजाएगा. ही विल वेट कि हम लोग नोटिस करे और निकले, एंड वी फील सॉरी यार हम लोग रोड पे खड़े. देखो ये ऐसा है सिस्टम अपने आकार उधर का. तो अभी टाइम तो लगेगा अपने आप ये सब होने के लिए. होपफुली किसी ना किसी दिन अपन करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. बस आज के लिए इतना ही. अभी वीडियो घर पे चल के एंड करते, ठीक है? चलो. ओके, तो भाई केम बैक ऑन 23rd ऑफ डिसम्बर 2019, एंड टुडे इज 21st जनवरी, विच मीन्स ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बिकॉज लाइक आई सेड बिफोर मेरे पास डेटा था नहीं पूरा.
तो ये जो भी भाई का डिस्कशन हुआ डिबेट दैट आई शॉट ऑन 19th of January जब वेद का बोर्ड स्नान हुआ था तभी भाई ने सारे इनपुट्स दिए कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस देयर एंड व्हाट वर द डिस्टेंसेस बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री नॉर्वे जहाँ पे भी वो गया था तो आई गेस भाई ने पेटी में सब कुछ बता दिया आई डोंट हैव रियली एक्सटेंड द डिबेट और आई डोंट थिंक मुझे और कुछ बोलना चाहिए सो दिस इज वेयर वी एंड द वीडियो टुडे सो खत्म करें सो थैंक्स फॉर मेकिंग सोनी हर बार कम से कम 3-4 टाइम ब्रेकअप करता हूँ आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद द एंडिंग बट ओके दिस इज द लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट टेक सो थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट होप यू हैव अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब कट यार कम ऑन लास्ट वन So thanks for making my effort. I hope you had a great time watching this video. Stay tuned for the next one. Make sure you hit the subscribe button. Be a part of this family. Which family is this? This is the family that spreads love. That's what we do. See you in the next video. Peace. Practice, my friend, makes men perfect.